हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बिगिनर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में देखेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। शेयर मार्केट बहुत ही बड़ा पैसों का कुआं है, लेकिन लोग यहाँ कमाते हैं और बहुत सारे लोग गंवाते भी हैं। शेयर मार्केट में बहुत टाइप के सेगमेंट होते हैं, इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी। तो हम बेसिकली इक्विटी सेगमेंट के बारे में जानते हैं, इक्विटी और फ्यूचर के बारे में देखेंगे। कमोडिटी को हम साइड में रखते हैं क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। तो इक्विटी के बारे में जानते हैं। इक्विटी दो टाइप की होती है, इक्विटी में दो टाइप के होते हैं, एक इंट्राडे होते हैं और एक डिलीवरी होती है। और इंट्राडे में मींस रोज शेयर परचेस करो और सेल करो। तो एक्चुअली बेसिकली इसमें ये बहुत रिस्की होता है कि आज ही आपको बेचना है 3 बजे, एक इसके टाइम फ्रेम होते हैं, 3:15 बजे आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, स्क्वायर अप हो जाएंगे। लेकिन आपको उसी बीच में बस यही टाइम फ्रेम 9:32 परचेस करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 9:30 उठे और परचेस कर लिए और फिर सेल कर दिए, ऐसा नहीं। आप उन बीच से कभी भी ले सकते हैं और बेच सकते हैं। बेसिकली ये हम जो टारगेट लगाते हैं इसमें, ये कभी अचीव होता है, कभी मार्केट रिवर्स हो जाता है, कभी ये अपोजिट चले जाता है। एंड डिलीवरी में आज लो, आज आपने कोई शेयर परचेस किए हैं, आज आपने डिलीवरी इज अ बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिटर्न देते हैं। तो हम उन शेयरों के बारे में देखते हैं जो डिलीवरी में अगर आप लिए होते तो आज उसका आपको कितना परसेंटेज मिलता, कितने मल्टीप्लाई होते, कितने गुने हो जाते आपके पैसे। तो हम कुछ शेयर के देखेंगे। और डिलीवरी ऐसा नहीं है, डिलीवरी भी रिस्की है, हमें कंटिन्यू उसे ट्रैक करना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए। तो लॉस भी होते हैं कभी कभी, क्या होता है कि कोई शेयर्स, कोई कंपनीज के कुछ प्रॉब्लम निगेटिव आ गए हैं, कोई फॉल्ट हो गया है, किसी ने मतलब उसमें गड़बड़ी कर दी है मैनेज सीईओ ने, जस्ट लाइक यस बैंक। तो हम कुछ शेयर देखते हैं और उसमें एक अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या बेस्ट होगा, हम डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम कुछ लॉन्ग टर्म शेयर्स के बारे में देखेंगे जो अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, राइट। तो डिलीवरी अभी देखते हैं, HDFC बैंक। अगर आप कुछ 1999 में अगर आप ये शेयर परचेस किए होते, सपोज 100 शेयर भी परचेस किए होते, तो 5.52 का प्राइस है पर शेयर। तो आपके कुछ जाते 100 शेयर पे 552 रुपये, ठीक है। तो अगर अभी आग ये देखिए कितने अच्छे रिटर्न, 28,696%, मतलब कि 286 टाइम आपके पैसे। अगर आप इसी पैसे को 286 इंटू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो ये आपको नॉर्मल अपने इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी, बेसिक बहुत अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट सभी लोगों को करना चाहिए। और बेसिकली इंडिया में इसका परसेंटेज बहुत ही कम है कंपेयर टू चाइना एंड USA। USA में तो काफ़ी 52% पॉपुलेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, और चाइना में 7%, इंडिया में सिर्फ ओनली ऑन 2%। तो इंडिया का ग्रोथ होएगा आई नो शेयर मार्केट में, एंड बहुत अच्छे
फिर सभी शेयर बढ़ेंगे अगर सभी लोग इन्वेस्ट करेंगे तो। मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब ये हम दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, बजाज एंड फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए। ये देखिए, करीबन 96,873%, मतलब 968 मल्टीप्लाई हुआ है आपका, 9968 गुना हुआ है आपका पैसा। सपोज अगर आप 5 रुपए का, ये भी 5 रुपए का शेयर था 2002 में, अगर आज इसकी कीमत 5 रुपए अगर ये भी पकड़े तो आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलते, काफी आपका 2,89,968 टाइम्स आपका पैसा गुना होता, तो काफी बहुत ज्यादा पैसे हो जाते। आप आसानी से कुछ बहुत अच्छे काम आप कर सकते थे। इसीलिए लॉन्ग टर्म बेस्ट है, बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में शेयर। मेरा भी पोर्टफोलियो है, मैं भी अपने शेयर में लॉन्ग टर्म ही शेयर रखता हूँ। नेक्स्ट शेयर देखते हैं हम, मदर सर्स एंड सुमी। ये 12 पैसे का था, सिर्फ 12 पैसे का 1999 में। आज ये जो हाइयर गया था, ये 2,10,000% दिया था इसने। अभी ये थोड़ा मार्केट डाउन होता, बट अभी भी 1,64,000% दिया है इसने, तो बहुत अच्छे रिटर्न है। अगर हम हाइस की बात करते हैं तो 2,00,000%, मतलब कि आपका 500 × 2,000 करेंगे तो काफी अच्छे परसेंटेज होते हैं। तो 2,000 गुना, बिल्कुल आप कैलकुलेशन करके देखिए तो आप अनबिलीवेबल कि इतना कोई और इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉपर्टीज में भी मे बी इसमें इतना ही दे सकते हैं इतने ज्यादा। बट इंस्टिट ये एक रिस्की फैक्टर है, इसमें कहीं पे लॉस भी होते हैं, कोई शेयर नहीं भी भागते, कोई शेयर कम भी भागते और कोई शेयर बहुत कम भागते हैं और कोई शेयर बहुत ज्यादा भागते हैं। तो हम अब लॉस शेयर के भी बात में, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट के ही बारे में बताऊंगा, लॉस के बारे में भी देखते हैं। अगर आप ये शेयर ये देखिए, ये इन्होंने 3,000% दिए थे, बट अगर कोई किसी ने यहां पर लिया होगा शेयर 309 रुपए पे, तो ये आज माइनस में रिटर्न, मतलब 95% माइनस में रिटर्न दे रहे हैं। तो ये भी लॉस का फैक्टर है। तो इसे इसकी बैलेंस शीट वगैरह देखकर ही कोई भी निर्णय ले, इसकी बैलेंस शीट रीड करे। अगर आपको नहीं आते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, बैलेंस शीट वगैरह सबकी देखिए, या फिर बीएससी की अच्छी साइड है, बीएससी में बैलेंस शीट देखिए, टिकट ऐप पे जाके देखिए। तो उसके बाद ही ये अपना डिसीजन लीजिए, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। मैं आपको कोई शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आज आप जाके ले लीजिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई भी शेयर चुनिए, लॉन्ग टर्म के लिए इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए। फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है कि मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होते हैं, वो लॉट्स में बिकते हैं, लॉट्स में रहते हैं, निफ्टी 75 के लॉट में और बैंक निफ्टी 25 के लॉट में, तो और उसमें भी रहते हैं इन द मनी आउट द मनी, तो वो तो एक अलग फैक्टर हो गया। उसके बारे में तो हम बेसिकली डिस्कस आज नहीं करना चाहते हैं, हम बेसिकली लॉन्ग टर्म के बारे में बात करना चाहते हैं। तो बिगिनर्स ऑलवेज इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, स्ट्रांग शेयर के बारे में ही सोचिए। ये नहीं कि चलो 2 रुपए वाले शेयर है, 5 रुपए वाले शेयर है और कल जाके वो, नहीं बिल्कुल नहीं। और मोस्टली आजकल अभी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई लार्ज कैप कंपनी में ही कीजिए। लार्ज कैप कंपनीज में डाउन साइड होते हैं, डाउन साइड होता है शेयर, बट वो हिसाब से नहीं होगा जितने स्मॉल कैप में होते हैं। स्मॉल कैप में स्टार्टिंग है उनका कि वो शेयर्स अभी वो कंपनीज स्टार्ट कर रही है तो उन्हें पैसा चाहिए, फिर के उनके फेल होने के भी चांसेस। बट जो लार्ज कैप होते हैं उनके बिजनेस चलते हैं, तभी वो लार्ज हुए हैं, तो ऐसे वो अपने बिजनेस बढ़ाते हैं और एक्सपांड करते रहते हैं। तो लार्ज कैप में वोलेटिलिटी कम होती है और आपके लॉस कम होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।